माननीय आपने एक अति संवेदनशील विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है, मैं सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। माननीय मातृ सदन हरिद्वार, वहां के संत स्वामी शिवानंद जी, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे हैं माननीय, और उनकी मांग अविरल और निर्मल गंगा को लेकर है। गंगा की पवित्रता, गंगा की निर्मलता, गंगा की अविरलता को लेके लंबे समय तक उस मातृ सदन के स्वामी संतों ने आंदोलन चलाया है माननीय, और सरकार ने बार बार जाकर उनसे वार्ता की है। महानिदेशक महोदय जो नमामि गंगे के हैं, उन्होंने जाकर भरोसा दिलाया था कि कुछ परियोजनाएं जिससे गंगा प्रदूषित हो रही है, गंगा की निर्मलता और अविरलता बाधित हो रही है, वो बंद की जाएंगी माननीय, लेकिन आज तक इसको किया नहीं गया। और मैं आपको बता दूं, स्वामी निगमानंद जी, स्वामी गोकुलानंद जी, स्वामी नागनाथ जी, और इसी सदन में मैंने विषय उठाया था, स्वामी सानंद जी ने, चार संतों ने अपना जीवन गंगा के लिए दिया माननीय। और आज की तारीख में साध्वी पद्मावती जीवन और मौत से माननीय एम्स हॉस्पिटल में जूझ रही हैं। पिछले 15 दिसंबर से वो अनशन पर हैं, 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से जाकर कम से कम वार्ता कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी जो मांगे हैं उसको सुनिए। 2500 किलोमीटर का क्षेत्र गंगा का है माननीय, और उस 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में और उनकी सहयोगी गंगा की सहयोगी नदियों के क्षेत्र में लगभग 43% आबादी हिंदुस्तान की रहती है। आप ऐसी बड़ी ऐसी पवित्र गंगा नदी को और उनकी सहयोगी नदियों को जगह जगह पर बाधित करके, बांध बना के, बालू निकाल के, पत्थर निकाल के उसको प्रदूषित करने का और उसको जो बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे गंगा की पवित्रता, गंगा की अविरलता बाधित होती। मानवर, इतने गंभीर विषय पर भी अगर सरकार सुनना नहीं चाहती, बहुत गलत बात है। मानवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, स्वामी शिवानंद जी का जीवन, सानंद जी का जीवन जा चुका है, स्वामी शिवानंद जी का भी जीवन खतरे में है। 10 दिन से वो अनशन पर हैं, कृपा करके उनसे जाइए और बातचीत कीजिए, इस मसले का समाधान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मानव।